वेलकम टू अहमद व्लॉग्स। और आज मेरा सेकंड व्लॉग है, शुरू करते हैं व्लॉग। और अभी अभी गुड मॉर्निंग हुई है हमारी, 8 बज चुके हैं। सो देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। अभी हम नाश्ता करेंगे, आज जुम्मे का दिन है और देखते हैं आज की रूटीन क्या होती है। सो आज जुम्मे की रूटीन चेक करते हैं मेरी। और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि मैं आज क्या पहनूं। मैंने लगाया था कि मैं आज पैंट पहनूं या तो फिर शलवार कमीज पहनूं। सो देखते हैं आज क्या आया, पैंट शर्ट या शलवार कमीज। देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं वोट्स में क्या आया। क्योंकि दोनों ने एक एक वोट दिया, मैंने स्टोरी बहुत लेट लगाई थी तो इसकी वजह से दोनों के एक एक वोट आए हैं। सो बहुत मुश्किल है फैसला। तो आई थिंक शलवार कमीज इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर फ्राइडे, जुमा भी है तो आई थिंक सो बेस्ट। तो अब हो रहा है 8 बज रहे हैं, हम उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग हो गई है। अब चलते हैं हम नाश्ते की तरफ, करते हैं नाश्ता। अच्छा सा ड्रेस तो पता चल ही गया इंस्टाग्राम की स्टोरी से, तो अब नाश्ता करते हैं और फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। फ्राइडे है तो आज फ्राइडे को हमने नहाने होता है किसी खास तरीके से। सो खास तरीके से मेरा मतलब कि फेस पे कुछ लगाएंगे। और अच्छा, एक जगह आपको दूँ कि नहाने से 2 घंटे पहले अगर आप बाल में तेल लगाते हैं और उसके बाद नहाए तो आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। और अभी मैं लगाने जा रहा हूँ एलोवेरा जेल फेस पर। फेस पर एलोवेरा जेल लगाएंगे, बालों में तेल लगाएंगे, चाहे आप कोई भी लगाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जितनी गर्मी है इस वक्त, आपको सबसे अच्छी चीज़ दे रहा हूँ कि आप अपने पास रोज़ वाटर का स्प्रे रखें और हर वक्त अपने फेस पर रोज़ वाटर का स्प्रे करते रहें। जैसे कि मैं स्टार्ट फेस पैक भी लग गया और सब कुछ हो गया। तो अब हम चलते हैं नहाने। नहाने के बाद मिलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे और फिर मिलेंगे फ्राइडे के एंजॉय करेंगे। और एक बात कि कर्फ्यू लग चुका है आज से, आज 2 अप्रैल है और कर्फ्यू लग चुका है 12 बजे से 3 बजे के दरमियान का, ताकि कोई मस्जिद में जुमे नमाज के लिए ना जा सके। तो हम नमाज घर में ही पढ़ेंगे और बस दुआ ही कर सकते हैं। सो आगे मुझे मैं बस ये कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप अ डिस्टेंस, वॉश योर हैंड, वेयर मास्क, कीप अ डिस्टेंस एंड अवॉइड टू गो आउटसाइड एंड क्राउड साइड एंड अवॉइड एनी थिंग्स आर जो थिंग आपको तक चस्के बना ली गई है उन्हें बिल्कुल ना करें और अपनी सोशल डिस्टेंस रखें, ठीक है। सो हम चलते हैं नहाने और उसके बाद मिलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे फिर बात करें। बाय। नहा के तो निकल चुके हैं, तो अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि आपने करना यूँ है कि आपने अपने बालों को वॉश कर लिया, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया। अब उसके बाद आपको यूँ करना है कि आपको बालों को टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई तो आई थिंक मेरे बाल रोप हैं। टॉवल ड्राई करने के बाद बाल आपके बिल्कुल सिल्की की तो उम्मीद है शैम्पू एंड कंडीशनर से, बट मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। ये मैथिक ऑयल है, मैजिक इन वन डेली हेयर सीरम, मैजिक इन वन लेमन एंड लोलैंड का ये प्रोडक्ट है। लोलैंड का प्रोडक्ट है नेचर, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। इसे आई थिंक मैथिक ऑयल सीरम के ही बोलते हैं, मैथिक ऑयल सीरम। बस आपको टॉवल ड्राई करने के बाद बालों को इसके 2 से 3 ड्रॉप या थोड़ा कम हो गया है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। हाँ, आपसे
तो आपने इसके 2 से 3 ड्रॉप देने हैं इस तरह से, और ठीक सा होता है तो आपने इसे यूँ करके फ्रंट पे और साइड्स पे अच्छी तरह से बना लिया, ऊपर ऊपर लगा लेना है। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट, मैं आपको ये बताता हूँ इसका बेनिफिट ये है कि आपके बाल सूखने के बाद बहुत शाइनी, सिल्की और स्मूथ रहते हैं, बहुत ही अच्छे। अगर आपने बाल ओपन या खुले छोड़े हैं जैसे कि, तो आप ज़रूर ये यूज़ करें इससे। इसके बाद आप स्ट्रेटनर भी करें और बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। सो स्ट्रेटनिंग से पहले भी सीरम यूज़ करते ही हैं, बट ये मैजिक ऑयल है, नॉट ऑल इन वन फॉर मैजिक ऑयल, ठीक है। लोलैन का ये प्रोडक्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लोलैन का, आप वहाँ से जाकर इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं और इसे शॉप से भी ईजिली अवेल कर सकते हैं। सो हेयर तो हो गया। अब हम अच्छा एक और आपको खबर सुनाई थी कि अच्छा आपको मैं सुना चुका हूँ शायद, तो वो कर्फ्यू तो लग चुका है 12 बजे से 3 बजे तक का, तो घर में हम कह रहे हैं नमाज भी घर में ही पढ़ेंगे और देखते हैं आज पूरा दिन और क्या क्या होता है हमारे साथ, वो आपके साथ वीडियो में शेयर करता रहूँगा इसी के आगे, लेकिन होता है क्या। अब हम करते हैं बालों को ब्रश, आपको देखे भाई बाल मेरे कैसे हो रहे हैं, अब सुनने के बाद भी आपके सामने ही होंगे ये बाल, ठीक है। सो ठीक है, आगे मिलते हैं। पेंटिंग्स जो मैंने खुद की हैं, पोस्टर कलर से की हैं, अपने घर में की हैं, 4-5 हैं ही, तो वो आपको दिखाता हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन सी सबसे अच्छी है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ कमेंट करके। ये मेरा सेकंड व्लॉग है तो आई थिंक अच्छे रिव्यूज़ आने ही चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है। सो ये मैंने इसमें 4 कलर्स इस्तेमाल किए हैं, इसमें पोस्टर कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, और ये जो इसके फ्लावर्स हैं ये मैंने एक बफी ब्रश लेकर उससे टैप 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 करके बनाए। 3 कलर्स के फ्लावर्स हैं, एक 1 कलर ये है, वैसे तो वुड का कलर ब्राउन होता है बट यहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया है। मुझे जो पेंटिंग में गाइडलाइन मिली थी मैंने उसी पे फॉलो करके उसी के कलर्स किए हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी की तरफ चलते हैं। ये मैंने पूरा बैकग्राउंड डिज़ाइन किया था, इसमें भी मैंने पिंक एंड पर्पल ही कलर यूज़ किया है। मैंने ये इस तरह की 1, 2, 3 एंड 4 बनाई है, तो इन 4 को मैंने पिंक एंड पर्पल से ही बनाया हुआ है। सो इस एक में मैंने ये पिक्चर फिट कर दी है जो इसी लंड्रास के फ्रेम में है, और ये मैंने कुछ इस तरह से इसे मैंने डिज़ाइन किया है इस पेंटिंग को, ये मेरा अपना ही डिज़ाइन था। सो मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया, आप करीब से देखें। इसके बीच में मैंने लगाई थी टेप, जो कागज़ की टेप होती है मैंने वो यूज़ की थी इसमें। इसके बीच में मैंने टेप सारी यूँ लगा कर, और फिर इसके ऊपर वो फॉर्म होता है ना, जैसे कि पफ होता है कोई भी, आप ले लें पफ वगैरह, उससे मेकअप पफ भी ले सकते हैं, तो उससे यूँ टैप 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 करके टेप के ऊपर, और फिर बीच में से टेप उतार दी थी मैंने, तो ये पेंटिंग क्रिएट हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये मेरे घर में, ये कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो दूसरी तरफ चलते हैं। ये हो तो थोड़ी पुरानी गई लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, ये ब्लैक एंड येलो कलर इस्तेमाल हुआ था, ये आपको समझ तो आ ही रही होगी ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको एक कैट नज़र आ रही होगी जो बेचारी गिर रही है और हेल्प मांग रही है, तो ये इसमें ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, पोस्टर कलर यूज़ किया हुआ है, और ये थोड़ी सी ख़राब हो गई, पुरानी हो गई है थोड़ी, तो इस वजह से मैंने कहा आपको दिखा दूँ वीडियो को थोड़ा लंबा करने के लिए। सो अब दूसरी दिखाता हूँ। इसमें भी मैंने कुछ इस तरह ही इस्तेमाल किया, इसमें मैंने टेप्स लगा कर इस तरह से, और इसे भी मैंने इसी तरह से ही डिज़ाइन किया है। ये वाला कलर थोड़ा सा मिडिया है तो ये मल्टी कलर्स में थी और ये बहुत ही अच्छी है। मम्मी के हालात हैं तो हमें वीडियो को इस वक्त ही इनफ करना पड़ रहा है इस सेकेंड ब्लॉग को। सो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग 3 के साथ, और आप लोगों से आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग्स के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई रूटीन के साथ। सो थैंक यू गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।